सबको पता चल जाएगा। देखिए बीजेपी ये चुनाव हार चुकी है, लेकिन शायद वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद के मुद्दे को एक नेशनल इश्यू बनाकर बार बार वो प्रदर्शन पे प्रदर्शन किए जा रही है। आप क्या कहेंगे? इन सब बातों में कुछ नहीं लिखा। सोनिया जी ये चुनाव जीती हाँ तो वही पीएम बनेंगी। इसमें डिबेट का कोई स्कोप ही नहीं है, बात बड़ी सिंपल है और सबके सामने। ये चुनाव हमने मैडम की लीडरशिप में जीता है और यही पीएम बने। जहां पैदा होने के लिए संत महंत गुरु ऋषि महर्षि तरसते हैं, उस भारत भूमि को 16 बरस तक अपनाने से इनकार किया था सोनिया गांधी ने। जो मेरी दादी मेरे पापा के साथ हुआ वो मेरी मम्मी के साथ नहीं होगा, इसकी गारंटी आप लीजिए। ये हमारा फैमिली मैटर। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि पार्टी का एक एक वर्कर हर कार्यकर्ता सोनिया जी को ही पीएम देखना चाहता है। ये फैमिली से ज्यादा पार्टी मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन के कारण जिस व्यक्ति को इस देश की नागरिकता लेनी पड़ी, संवैधानिक बाध्यता के कारण, निष्ठा के कारण नहीं। इन लोगों को इस देश का कोई भी नेता, इस देश में पैदा हुआ कोई व्यक्ति नेतृत्व देने के लिए नहीं मिल सकता है। विदेशी पत्र लगाने नहीं चाहिए, ना बना दूंगा मैं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज डोंट टीच मी पॉलिटिक्स। I 24 पूरे जमीन से दुख को दियो चियो फारो देवो की भी वो फारे। साथियों, पिछले 6 वर्षों में मेरे मन में एक बात हमेशा साफ रही है और मैं कई दफे कह भी चुकी हूं कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से सोनिया जी ने जो फैसला लिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सोनिया जी मेरी माँ है और उन्होंने बहुत सोच समझ के अपनी अंतरात्मा को टटोल के ये निर्णय लिया है, तो जब अंदर से आवाज आ रही है यही निर्णय से। उनका फैसला है, उनके दिल का फैसला है, क्या कह सकते हैं? ये निर्णय लेना कोई आसान चीज नहीं है। सोनिया जी मेरी माँ है, बहुत गर्व है उनका। इतना मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में कोई और व्यक्ति ऐसा कर सकता। अगर मैं इस पोजीशन में होता मैं तो नहीं करता। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जैसी हो, सोनिया गांधी जैसी हो। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद के त्याग के बाद से ही अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का प्रधानमंत्री कौन होगा ये अभी तक एक पहेली है। सीनियरिटी सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, एक ऐसा लीडर चाहिए जिसकी सब रिस्पेक्ट करें। देखिए सीनियरिटी रिस्पेक्ट की बात ठीक है, लेकिन हमें अपना अलायंस के बारे में तो सोचना पड़ेगा। ये मिली जुली सरकार है, कोई ऐसा नाम हो जो कि सारे वोटों को संतुष्ट कर सके।
ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं चाहती हूँ आप सब मेरे निर्णय में मेरा साथ दें, और ये निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था। खाई लोगों के बारे में सोचा, पार्टी के फ्यूचर के बारे में, देश के बारे में, और हर पहलू पे गौर करने के बाद मेरा विश्वास है कि हर कसौटी पे केवल एक इंसान खरा उतरता है। प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है। चाय बहुत मीठी होती है, इसे पी पी के कई लोगों के दांत खट्टे किए मैंने। 100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते, ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूँ। पेशा है मेरा, हाय मैं संजय बारू, एडिटर फाइनेंस एक्सप्रेस। यो संजय जी, हेडलाइन भर रहे हो आज की? हेडलाइन तो आप ही हैं चौहान साहब, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मुबारक हो, बड़ी मिनिस्ट्री है। आपका कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास ही रखने वाले। खबर पक्की है? प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे बता दिया। आप आग बंद करके हेडलाइन छाप दो। एक्सक्यूज मी, सरकार में वापसी मुबारक हो अन्ना। शुक्रिया बाबू, शुक्रिया। क्या नया ताज़ा? आप बताइए कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही? फाइनेंस, और क्या? अच्छा, मैंने तो सुना है पीएम खुद फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। बाबू अगर पीएम फाइनेंस संभालेंगे तो मैं क्या करूँ? Thank you.
आपका एडिटोरियल सच हो गया, पार्टी ने डॉक्टर को बुला दिया। बहुत सालों बाद एक ऐसे पीएम आए हैं जिनकी रिश्तेदार रियल एस्टेट में ना हो। लेकिन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स खेल पाएंगे? नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल तक माइनॉरिटी में सरकार चलाई थी। डॉक्टर साहब ने अपने गुरु से कुछ तो सीखा होगा। सर सर सर, मिस्टर बारू, आपको हेडलाइन चेंज करनी पड़ेगी। चिदंबरम होंगे न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन आपको तो डॉक्टर साहब नहीं बताया था ना? एक्साइटमेंट ने हाई कमांड से पूछे बिना शायद मुझे बता दिया होगा। ऐसा भी होता है क्या? नाम मनमोहन सिंह। बच्चे जन्म तारीख? जन्म तरीक को की लेना जी, तुमने कि प्रधानमंत्री बन जाना है वो मेरा मतलब कुछ भी लिख लो जी। मनमोहन सिंह ने नहीं जीता, जनता ने मैडम को चुना है, मैडम ने पीएम को चुना। ये सच्चाई है और ये सच्चाई हर लेवल पर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। पटेल साहब, ये सब कहना बहुत आसान है लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली ठीक से बैठाना होगा। मिस प्लीज राइट पटेल साहब, है पॉलिसी पे, ये सब आसान नहीं होगा। पॉलिसी हम तय करेंगे ना, एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, मैडम उसे चेयर करेंगे, जो गरीबों के विकास के लिए काम करेंगे। यस, इसे लेफ्ट ही खुश है, हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई वफादार ब्यूरोक्रेट बिठाना पड़ेगा। कोई है नजर में? पुल अप सर। सर ये है सर आपके अप्रूव्ड लोगों की लिस्ट। सर लिस्ट काफी छोटी हो गई। पुलोक चैटर्जी, गांधी फैमिली के खास, आज पीएम सर को उनके मांगे हुए लोगों की लिस्ट सोनिया जी से अप्रूव करके लाए हैं। आपको क्या करना होगा पुलोक? सर मेरा काम होगा पीएमओ और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सर तालमेल रखना। सर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आपका ब्रीफ क्या होगा? सर मेरा ब्रीफ है मैडम को ब्रीफ करना। सर अगर उनको आपके निर्णय के बारे में बताओगे तो उनका काम आसान हो जाएगा। सर तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएससी तय करेगी? नो सर वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा ना सर। एनएससी सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट का सुझाव देगा सर, दैट्स इट।
ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि मुझे नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए या नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। आखिरकार पीएम को अपने याद आ ही गए और मुझे कॉल आ गया। उन दिनों वो यूजीसी चेयरमैन थे। पहली मीटिंग में उनका डिटेल इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू छपते डॉक्टर साहब के ऑफिस से फोन आया। अक्सर लोग मुझे इंटरव्यू के बाद तारीफ के लिए बुलाते हैं। आई एम अ परफेक्शनिस्ट। प्लीज सिट। सो दैट्स अ रियली नाइस टाई यू आर वेयरिंग। आपका जो टेप रिकॉर्डर खराब हो गया था मुझे सर, वो ठीक हो गया? नहीं सर, नया लिया। प्लीज गिव इट टू मिस्टर कडू। आपने जो मेरा इंटरव्यू किया है वो पढ़ा है? आप तो जर्नलिस्ट, आपको देश की हालत का पता है, भारी समस्या है, इसीलिए मैंने जानबूझकर साउथ कोरिया का नाम दिया। उनके जैसे रिफॉर्म्स होने चाहिए हमारे यहां। आपका काम था ये बात देश तक पहुंचाना, आपसे वो भी नहीं हो पाया। सर मैंने आपका पूरा इंटरव्यू लिखा था। न्यूज डेस्क पे शायद कुछ गलती हो गई होगी, मैं चेक करवाता हूँ। चेक करेंगे और क्या, किसी और को ब्लेम करेंगे? मिस्टर बारू, आपके सबॉर्डिनेट की गलती आपकी गलती। संजय, मेरे प्रेस सेक्रेटरी बनोगे? बिल्कुल बनूंगा सर, मगर मेरी दो शर्तें हैं। सर मैं आपका मीडिया एडवाइजर बनना चाहता हूं। ये इंटरनेट के जमाने में प्रेस सेक्रेटरी आउटडेटेड लगता है। आई एम ओके अबाउट दैट। और दूसरी शर्त? सर मैं सिर्फ आपको ही रिपोर्ट करूंगा। अरे मैम आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? अरे यार प्रोटोकॉलों की बातें मत करो। 30 साल से अपने घर में मैं ही चाय पिलाती हूँ, अब अपनों से क्या प्रोटोकॉल। सर मीडिया को मैनेज करने के अलावा आप क्या उम्मीद रखते हैं मुझसे? पीएम की कुर्सी जमीन से दूर कर देती है, सिर्फ फाइल्स, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स नजर आते हैं। मुझे हर खबर चाहिए। मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के। पॉलिटिक्स भी महाभारत की तरह है। संजय, तुम्हें मेरा संजय बनना होगा। तुम इनकी आंख और कान तो बन जाओगे, लेकिन आवाज का क्या करोगे? You may not understand this stuff, but bureaucracy is a tough war. सबकी नजर सब पर है। आपने जरा सी भी जगह दी तो कोई तीसरा उस जगह को घेर लेगा। और आपको इन्हीं की यही बात इनको बार बार बतानी पड़ेगी। सर की भविष्यवाणी जल्दी सच हो गई। शुरुआत मनी ने की। ये मनीष सर ने भेजी है। किसी भी पीएमओ में पहुंच बहुत जरूरी होती है भाई, और डॉक्टर साहब तक मेरी पहुंच 3 लोगों के आड़े आती थी। मणि, असली नाम J.N. दीक्षित, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन पॉलिसी के पंडित और मेरे अच्छे दोस्त। एक्सपर्ट थे तो सबका काम उनसे बेहतर ही जानते थे, और इसीलिए टफ वॉर में मुझे हराना मुश्किल। माइक, असली नाम M.K. नारायण, पेशे से जासूस, फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ, मैडम के खास। किस नेता का पैसा कहाँ लगा हुआ है?
सब खबर रहती थी। गुस्से में हो या मजाक में हर किसी को एक बात जरूर कहते थे, सुनो। I have a fine on you. माइक और मनी जैसे दिग्गजों के आगे डॉक्टर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी TKA नायर, इसकी थोड़ी कम चल रही थी, मगर कॉर्नर ऑफिस मुझे ही मिलेगा। और फाइनली सुबू, पीएम की पर्सनल सेक्रेटरी। सुबू का एक ही पैशन था, ज्योतिष शास्त्र। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब को एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सर एक सेकंड देखिए, कुछ ब्रीफिंग्स में NSA का अप्रूवल लेना होगा, इसमें गलत बात क्या है? सर जैसे मनी आपके एडवाइजर है वैसे मैं भी हूं, और सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट करूं। शांत हो जाओ, बैठो। सर आपकी पूरी टीम में सिर्फ मैं ही हूं जो ब्यूरोक्रेट नहीं है। ये 24 आवर न्यूज मीडिया नोट्स फाइल्स अप्रूवल्स का वेट नहीं करती है। अगर किसी झूठ का जवाब 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाए तो वो झूठ सच कहलाते सर। ठीक है, मैं मनी से बात करता हूं। बारू, रूटीन सर्कुलर पे इतना गुस्सा, और वो भी दोस्तों के साथ? आओ असली कॉफी पिलाता हूं। गेस करो सुबह सुबह मेरी किससे बात हुई थी। इसे नटवर सिंह। ओ क्या कह रहे थे? परेशान थे बेचारे, कह रहे थे कि अभी भी उनकी फाइल्स आप क्लियर कर रहे हैं। एक बात बताऊं बारू, अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से डरता है। उन्हें पीएम साहब को सब बताने दीजिए, मैं संभाल। एनीवे तुम चिंता छोड़ो, तुम सिगार पियो। हमारे लिए रूल्स? अरे हम ही तो पीएमओ हैं। आज 10वें दिन प्रधानमंत्री को संसद में फिर से बोलने नहीं दिया गया है। मैं इसके बाद आपको मौका दूंगी। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री का भाषण बिना पढ़े ही टेबल कर दिया जाएगा। शायद ये इतिहास में पहली बार होगा। इधर लेफ्ट भी प्रधानमंत्री से खासे नाराज हैं। ये सरकार प्लानिंग कमीशन में प्राइवेट कंपनियों के लोगों को बिठा रही है, मल्टीनेशनल कंपनियों के लोगों को। समर्थन देने का मतलब हम अंधे हो जाए क्या? कल को आप कोका कोला को बिठाएंगे प्लानिंग कमीशन में, हम देखते रहेंगे। संसद में पीएम की कमजोरी कर रहे थे। मेरी एक बुरी आदत और थी, पीएम सर के खिलाफ कौन सा मिनिस्टर किसके कहने पे अखबार में खबर लीक करता है, मैं 1 घंटे में पता लगा लेता था। सोनिया जी ने मुझे चिट्ठी लिखी, ये मीडिया में कैसे आ गई? ये आपके जैसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर को सूट करता है? Someone is misleading you, sir. I haven't done anything wrong. मेरी इंटेलिजेंस को इंसल्ट मत करिए। This should not be repeated again. Am I clear? Am I clear? Yes, clear, sir. सर जयराम काफी अपसेट लग रहे थे। एक केस के बाद डांट खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। He will behave in the future. नहीं सर, फ्रैंकली ये सब रुकेगा नहीं, कल कुछ और लीक हो जाएगा। ये लोग जरूरत से ज्यादा वफादार है। जजमेंट पास मत कीजिए। तो अब
क्या करना चाहिए? सर, इन लोगों ने सोनिया जी की चिट्ठी लिखी, अब आपका सोनिया जी को रिप्लाई मैं लिख करूंगा। बहुत बोल्ड स्टेप हो जाएगा। मैं ले रहा हूँ सर, सबको मैसेज चला जाएगा। PMO means business. No, sir. That Dr. Singh means business. प्यारे देशवासियों, मैं आज आपके सामने विनम्रता से आपके द्वारा दी गई जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूं। आपसे बात करते हुए आज मुझे गांधी जी की बात याद आ गई। वो कहते थे कि वो हर आंख से आंसू पहुंचना चाहते हैं। वो कहते थे कि किसी भी काम से पहले ये सोचना जरूरी है कि गरीब से गरीब इंसान के जीवन में आपका क्या योगदान है। ठीक था? अब इसका मैं क्या जवाब दूं? नहीं सर, सर आप ऐसे बोलेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर की बात पे एक विश्वास होना चाहिए सर। आप वैसे ही बोलिए ना जैसे मैंने आपसे कहा था, अभी जहां पे कॉमा है वहां पे पॉज लीजिए, जहां पे शब्द बोल्ड लिखा है वहां पे स्ट्रेस दीजिए। एक और ट्राई करें सर। ठीक है संजय, ये कितना ठीक करना होगा? About 99% sir. Okay. मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आपसे विनम्रता से आपके द्वारा दी गई हेलो सर, बहुत गड़बड़ हो गया सर, आपको मीडिया मैनेज करना पड़ेगा सर। आप मुझे बताओगे क्या हुआ? सर, डेलीगेशन फाइनेंस बिल में चेंजेस सजेस्ट करने आया था। मनमोहन सिंह जी, हम फाइनेंस बिल में कुछ बदलाव चाहते हैं। पीएम साहब अपने सीट पर नहीं थे सर, वो खड़े थे, इसलिए डेलीगेशन को भी खड़ा रहना पड़ा सर। सर उन्होंने फाइल पीएम को खड़े खड़े दिया सर, जल्दी में टेबल नीचे था इसलिए ही ड्रॉप द फाइल। चाय का समय नहीं था शायद, सब खड़े थे। And now, media is putting allegations against him that he threw the file. उन्होंने फाइल रखी या फेंकी? सर, उन्होंने फाइल रखी थी।